खेड़े महाराज पर पूजा अर्चना की जाती है और उसके बाद फिर भंडारे का प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, दादा खेड़ा महाराज के दर्शन कराएंगे। जो लोग गांव पोपड़ा के बाहर बैठे हैं विदेशों में, वो भी इस चीज का दर्शन कर ले आज। पहले जो लड़के गांव पोपड़ा से या आसपास से बाहर जा रहे हैं अमेरिका, तो उन्हीं की खुशी में जो भी सज्जन है, भक्तजन है, उन्होंने यहाँ पर डॉलरों से सजी हुई माला दादा खेड़ा महाराज को अर्पित की है। उनकी मनोकामना पूरी हुई होगी, तो उन्होंने ये डॉलर हैं जो आप देख सकते हैं दादा खेड़ा महाराज के चरणों में अर्पित किए हैं। BN24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। दोस्तों इस वक्त हम पहुंचे हैं गांव पोपड़ा के अंदर ही और लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गांव पोपड़ा से आज दादा खेड़ा महाराज पर भंडारे का आयोजन किया गया है। पूरे गाँव के सहयोग से भंडारे का आयोजन किया गया है। तो चलिए अब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं भंडारे की भी, कि किस तरह से पूरे गांव के अंदर खुशी का माहौल है। आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि पूरे गांव में कितनी खुशी है। हर वर्ष की तरह इस बार भी गांव में सभी के सहयोग से, 36 बिरादरी के सहयोग से जो आज का कार्यक्रम वो किया जा रहा है। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है के अंदर, तहसील असम जिला करनाल हरियाणा से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 36 बिरादरी के सहयोग से यहाँ पर जो कार्यक्रम किया जा रहा है, ये देखिए सभी जो भी गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं यहाँ पर मौजूद हैं। जो 36 बिरादरी के सहयोग की हम बात कर रहे हैं, कोई भी आए कहीं से भी इस कार्यक्रम में अपना सहयोग कर सकते हैं। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देख किस तरह से जो भंडारे का आयोजन है वो किया जा रहा है। पूरे गांव से 36 बिरादरी के लोग इस भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आप देख सकते हैं अपनी सेवा यहां पर दे रहे हैं। सेवा भाव जरूरी है। ये है हलवे का प्रसाद और ये साथ में खीर, हलवा खीर सब्जी पूरी, हलवा खीर सब्जी पूरी। और सभी ग्रामीण बड़ी खुशी के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। 36 बिरादरी यहाँ पर पहुंची है और भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रही है। आप देख सकते हैं इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं वो दर्शाते हैं कि गांव में आपसी जो भाईचारा है वो बना रहे। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, गांव के आन बान शान जिसे कहते हैं बड़े बुजुर्ग, वो भी यहाँ पर मौजूद है। उन्हीं की देख रेख में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। सभी के सहयोग से जैसा कि हम बात कर रहे हैं, इससे एक मैसेज जाता है समाज के अंदर कि आप हमेशा अपना भाईचारा है वो कायम रखें और एक दूसरे का सहयोग भी करें। तो समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम गांव में आयोजित किए जाते हैं। और जैसे कि श्रवण मास है, ये सभी प्रसाद ग्रहण करते हुए और गांव पोपड़ा के अंदर जैसे कि हम बात कर रहे हैं, पंचगावा कमेटी है। सभी पंचगावा कमेटी के अंदर पांचों गांव मिलकर कोई भी सामाजिक कार्य हो उसके अंदर हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, आपसी भाईचारे की मिसाल पेश करते हैं। गांव के अंदर यदि कुछ बड़ी समस्या आती है, कोई महामारी आती है, बीमारी आती है, तो उससे भी दादा खेड़ा गांव के नगरवासियों की रक्षा करता है। तभी सबसे पहले बोलते हैं जय नगर खेड़े की। आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो प्रसाद है वो बनाया जा रहा है। यहाँ पर पूरी का प्रसाद तैयार किया जा रहा है। हलवा पूरी खीर का प्रसाद यहाँ पर तैयार किया जाए। और ये लड़के हैं जो छोटे छोटे यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, ये सभी सेवा कर। और देखिए ये है हलवा, ये हलवे का प्रसाद तैयार हो चुका है। ये देखिए राम राम जी। और ये गांव से जो सहयोग आया है, आटा चून जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो यहाँ पर दान करते हैं। और देखिए ये है खीर का प्रसाद। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि पूरे गांव के सहयोग से यह कार्यक्रम चल रहा है गांव पोपड़ा के अंदर। समाज सेवी राजेश शर्मा जी भी इस भंडारे में पहुंचे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं।
जैसा कि हम बात करें सभी 36 बिरादरी के सहयोग से यह भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। राम राम जी। तो आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, क्या कार्यक्रम? आज का बाबा खेड़े का कार्यक्रम है जी, और ये हमारे जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं आप उनके सामने पर करेंगे। ये सब बड़े अपने रेर वेश जी है, दादा कृष्ण जी है, पाल जी है, ये सब लोगों का तो सहयोग से हर साल यहाँ पे भंडारा होता है सावन के महीने के जो किसी भी इतवार में यहाँ पे भंडारा किया जाता है। और 36 बिरादरी का दान चुन चीनी चावल आटा सब कुछ यहाँ पे आता है, और उसके सहयोग से दूध के साथ से खीर खीर का प्रसाद बनता है, हलवे का प्रसाद बनता है, सब्जी बनाई जाती है, जिससे बड़े आनंद से आप देख रहे हो कि साइड में सभी लोग बड़े आनंद से प्यार से जेंट्स भी और लुगाई भी सब आपस में बैठ के खा रहे हैं। गाना क्या है इसकी? गाना जी हमारे गांव का दादा खेड़ा है। जब बुजुर्गों ने दादा खेड़ा बसाया था तो पहले यहाँ पे एक मीठा प्रसाद बांटते थे हलवे का प्रसाद, तो धीरे धीरे आगे आने वाले बुजुर्गों ने फिर इसके हलवे के साथ में खीर शुरू कर दी, खीर के साथ में फिर पूड़ी और सब्जी भी शुरू कर दी। कहते हैं कि ये पूरा भोग लगता है सावन का दादा खेड़े का नाम का जी, जिसको कि मतलब शिव जी का अवतार माना गया है। एक भाईचारे का मैसेज भी जाता है। हाँ बिल्कुल, ये मतलब किसे पता चलता है 36 बिरादरी का भाईचारा यहाँ पे है, और आप देखो यहाँ पे बैठे हैं और उधर घर के नीचे भी बैठे हुए हैं, तो सब लोगों के सहयोग से मतलब कि बच्चा बच्चा इसमें सहयोग दे रहा है, बड़ा बुजुर्ग माता बहने सबका सहयोग है जिसके अंदर। धन्यवाद जी आपका भी। जय दादा खेड़े की। अरे बोलो जय दादा खेड़े की। आज का दादा खेड़े पर भंडार लगा रखा है पूरे गांव के सहयोग से। ये हमारे भाई है दीपक पोपड़ा, इसका चैनल भी N24, इसको ज्यादा ज्यादा देखे और इसको सब्सक्राइब करे। नरेश पोपड़ा जी, क्या कहोगे आज के कार्यक्रम के बारे में? कार्यक्रम गांव में ग्राम वासियों ने बहुत अच्छा कर रखा सब, 36 बरादरी की और 36 बरादरी के सहयोग से जिसका जितना दान का हाँ बिल्कुल आता जी, सारे सत्ती बरादरी इकट्ठी हो रही है सारी की सारी, तो मैसेज तो जाता ही है सभी नौजवान साथियों में भी जाता मैसेज। जैसे कि हम बात कर रहे थे महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, जो प्रसाद है वो ये इस वक्त हम दूसरे पंडाल में पहुंचे हैं जहां पर खुद महिलाएं एक दूसरे का सहयोग कर रही है, भंडारे में प्रसाद बता रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं BN24 पर। पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जो गांव के बुजुर्ग हैं, और अब जो महिलाएं हैं वो सभी इस भंडारे में प्रसाद ग्रहण कर रही हैं और साथ ही साथ सेवा भी कर रही हैं। जो लंगर का प्रसाद बताया जा रहा है उसमें खुद महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं कि महिलाएं महिलाओं की सेवा कर रही हैं। 36 बिरादरी के सहयोग से यह भंडारे का आयोजन किया गया है। देखिए इस तरह के कार्यक्रम जैसे कि हम बात कर रहे हैं, एक बार फिर हम आपको बता दें कि समाज के अंदर एक मैसेज जाता है कि हमेशा अपना भाईचारा बनाकर रखें। और देखिए जैसे कि अब संगीत का कार्यक्रम भी है यहाँ पर, देखो इधर राम राम जी। क्या आज दादा खेड़े का भंडारा है जी गांव पोकड़ा में, और हवन यज्ञ किया गया है और बहुत ही बढ़िया प्रसाद बनाया रखा है। भंडारा है जी 36 बिरादरी का भंडारा है, बड़ा ही सुंदर साल में दो बार भंडारा गांव कर देता है जी। क्या मानते हो गांव की सुख शांति के लिए किस तरह से? दादा खेड़ा से यही प्रार्थना, मेरे गाँव में सुख शांति समृद्धि बनाए रखे जी, और लाभ देगा गाँव में ज्यादा ज्यादा जी, ये हाथ जोड़ कर नम्र निवेदन है। कई लड़के जो विदेश जा रहे हैं जी, कुछ रास्ते में जी सर, उनके लिए क्या हम प्रार्थना करेंगे दादा खेड़े से, उनकी मनोकामना पूर्ण करें जी, उनको जाते ही काम दिलवा दे और रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आज उन्हें, यही प्रार्थना दादा खेड़ा महाराज से, और जाते उनका काम बनाए जी, नौकरी मिला उन्हें, रोजगार मिला जी। हवन होया है जी, भंडारा लगाया गया जी, हाँ जी दुआ जी सबके सबका सम्मान हो करे, प्रार्थना जी किसी सबके बढ़िया इच्छा रखे अनुसार खुशी रहो जी।